आदाब नाजरीन, मैं शिल्पा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ NCERT के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। और आज का हमारा मौजू है उर्दू इमला, मतलब कि उर्दू पंक्चुएशन। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी, जो कि NCERT के भाषा शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा के प्राध्यापक के अहदे पे कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उर्दू पंक्चुएशन के बारे में। सर, बात उर्दू इमला की हो रही है जी, तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि इमला की क्या इम्पोर्टेंस है उर्दू भाषा में। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इमला है क्या, किसको कहते हैं। इमला यानी स्पेलिंग। तो इमला से हमारी मुराद होती है कि किसी लफ्ज़ यानी वर्ड्स का जो तय किया हुआ या जो जाब्ते हैं, जो नॉर्म्स हैं, और उनके साथ उनको इस तरह से लिखा जाए या लिखना कि बोलने और पढ़ने में उसे सही तलफ़ुज़ के साथ अदा किया जा सके। यानी किसी लफ्ज़ को ठीक ठीक लिखा जाए और उसमें जितने भी हरूफ आते हैं वो हरूफ तरतीब से हों, उसी तरतीब से जिसमें उनको रखा जाना है, साथ ही उसमें जो भी जोड़ और पैबंदकारी की गई है वो भी सलीके की हो। अगर ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है, और अगर ये नहीं है तो फिर वो इमला गलत कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ में सही सही जो हरूफ हैं उनका जो इस्तेमाल है वो इमला कहलाता है जी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इमला जो है लफ्ज़ों की सही तस्वीर बनाने को कहते हैं। तो जिस तरह से अब जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह से लिखते भी हैं, और जिस तरह लिखते हैं उसी तरह से हम पढ़ते हैं और अदा करते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हरूफ को लिखने में वो तमाम पाबंदियाँ उसमें उनकी पाबंदी की जाए जिससे वो जोड़ जो है हरूफ का वो एक लफ्ज़ की शक्ल और बामानी लफ्ज़ बने। और फिर जाहिर है लफ्ज़ों की तरतीब जब आगे बढ़ती है तो जुमला बनता है, और जिससे हम अपनी बात की अदायगी करते हैं। ख्याल रहे कि यहाँ जो हरूफ की बात है, हरूफ के लिखने की, तो हरूफ को लिखने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो रस्म ख़त कहलाता है जी। और रस्म ख़त और इमला में ताल्लुक़ है, एक नस्बत है। वो नस्बत वही है जिस तरह से फूल और उसके रंग और खुशबू में होती है। अगर फूल ना हो तो रंग और खुशबू का भी तायुन नहीं हो सकता, ना ही उसको खुशबू की जगह मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी बामानी है और इनकी तरफ हमें ध्यान रखना होता है। और साथ ही ये भी है कि रस्म ख़त में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, वो तो तयशुदा है, लेकिन इमला में इस्लाह की गुंजाइश होती है। उसकी वजह ये है कि किसी लफ्ज़ का जो इमला चाहे अनजाने में या किसी और वजह से बदल दिया जाता है या तब्दील करके उसको अदा किया जाने लगता है, तो शुरू में 10-12 लोग बोलते हैं, फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जाता है, और बढ़ने के साथ ही जो वो एक सनद की हैसियत रख लेता है, और वो सनद जो है वो बाकी तमाम लोग जो है उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। लिहाजा वो उस लफ्ज़ का वो इमला वो सनद की हैसियत रखता है, और इसीलिए कहते हैं कि गलतुल आम फसी, यानी जब बहुत ज़्यादा लोग एक बात को किसी लफ्ज़ को इस तरह से अदा करने लगते हैं तो वो फिर गलत नहीं रह जाता बल्कि एक फसी लफ्ज़ बन जाता है, और जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इमला का मामला। और ज़बान में उर्दू ज़बान में इमला की जब बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए। हरूफ की बनावट, हरूफ के जोड़ने में किन किन पाबंदियों का ख्याल रखना चाहिए, उसके हिज्जे किस तरह से किए जाएंगे, अगर हिज्जा सही है तो तलफ़ुज़ उसका दुरुस्त हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें शामिल होती हैं। लिहाजा इमला की बड़ी अहमियत है। इसीलिए जब इब्तदाई जमातों में प्राइमरी क्लासेस में हम जब
زبان پڑھا رہے ہوتے ہیں تو املا نویسی وہاں پر خاص اہمیت ہے، یعنی بچوں سے املا لکھنے کی مشق کہ پہلے املا کیا ہے، اس لفظ کے ہجے کیا ہیں، اس کا کس کون کون سے حروف ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کی مشق کراتے ہیں تاکہ وہ لفظوں کو صحیح طور پر تحریر کر سکیں اور پھر ان کی ریڈنگ کے ذریعے وہ اس کو درست کر سکیں جی. اور کسی بھی زبان میں اگر املا صحیح نہیں ہے تو زبان خراب بھی جو بولی جائے گی وہ کافی ناگوار گزریں گی باتیں، اور نہ ہی اس کے مفہوم واضح ہوں گے، تو اس لیے ان سب کی پابندی بہت ضروری ہے جی. سر آپ نے املا نویسی کی بات کی جی. یہ ابھی کے کرنٹ سیناریو میں ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ؟ املا نویسی کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، آج بھی اس کی ہے، صورت تھوڑی سی بدل ضرور گئی ہے، بدل اس لیے گئی ہے ان معنوں میں کہ پہلے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی تربیت ہوتی تھی، ہم بچوں سے مشق کراتے تھے اور ایک خاصا وقت اس پر صرف کرتے تھے، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو الفاظ وہ لکھ رہے ہیں ان الفاظ کی تصویر جو ہے وہ ان کے ذہن پہ نقش ہو جائے، پھر جیسے ہی ان کے استعمال کی ضرورت ہو فوراً ہی وہ اس لفظ کا وہ استعمال کر سکے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہم ہر زبان میں ہیں، اردو میں بھی ایک آواز کے لیے کئی ایک حروف مخصوص ہیں، جیسے ز کی آواز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں زال ہے، زے ہے، زواد ہے، زوئے ہے، اتنے سارے حروف موجود ہیں. اگر س کی بات کریں تو سین ہے، سواد ہے، اور سین سواد سی، یہ اتنے سارے حروف ہیں جو ایک ایک آواز، ایسے کئی آوازیں ہیں جن کے لیے ہیں. اب ان آوازوں کی مطلب ان حروف کے سے جو لفظ بنتے ہیں ان لفظ کی صورت جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر صندوق، اب صندوق کو سین سے ہم نہیں لکھ سکتے، سواد سے لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے سمر سے لکھا جائے گا، اگر سین سے لکھیں گے اس کے معنی الگ ہو جائیں گے. آواز کے ایک ہی ہے لیکن حرف الگ الگ ہے، تو اس لیے ان کے درمیان فرق کو رکھنا، ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے. آج صورت تھوڑی سی اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو آلات استعمال کر رہے ہیں، تکنیکی اور ٹیکنالوجیکل جو آلات ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں اس طرح کی اگر ہم آوازوں کو تحریر کی شکل میں لاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فرق اس میں کم ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر لفظ اپنے آپ میں ایک پوری کائنات کو رکھتا ہے، اس کے ساتھ پوری ایک تاریخ جڑی ہوتی ہے، پورا ایک جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی تمام تر باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوں گی. تو اب اگر ان کے املا کو بدل دیا جائے گا یا اس کے املا میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے گی تو وہ تمام چیزیں جو اس لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی جی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم املا کی صحت پر خاص زور دیں جی. جو ہم اپنے ابتدائی جماعتوں میں کرتے ہیں، اور اس پر تو کافی بحثیں ہمیشہ رہی ہیں. اگر کلاسیکل دور کی بات کریں تو ہمارے جو شاعری ہے اس میں شعر میں ایک لفظ کو کس طرح سے باندھا گیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس پر بہت ساری بحث، اور کم و بیش ہر بڑے شاعر نے اس پر جو ہے زور دیا ہے کہ لفظ کو شعر میں کس طرح سے اس کو شامل کیا جائے، کیونکہ بات تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم شاعری کی بات کریں تو شعر میں وزن بہت ضروری ہے، وزن کے ساتھ ساتھ اس کے جو تمام آداب ہیں وہ بہت ضروری ہیں، بہر سے میں رکھنا ضروری ہے. تو ان تمام پابندیوں میں لفظ کا صحیح استعمال بڑا ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا استعمال جی کہہ سکتے ہیں بہت ضروری جی. سو اردو بھاشا کی بات کریں، اگر پنکچویشن مارکس کی بات کریں تو کیا اردو بھاشا میں بھی باقی بھاشاؤں جیسے ہندی انگلش کی بھاشائیں ہیں تو اس سے جڑا ہوا ایسا کچھ پنکچویشن مارکس ہے اردو بھاشا میں؟ بالکل، جس طرح سے دوسری زبانوں میں
हम जो पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रमूज़ अवकाफ़ कहते हैं, वो रमूज़ अवकाफ़ जो हैं उर्दू में भी उसी तरह के हैं। कमोबेश 11 या 14 जो हैं वो इस तरह की अलामत हैं जिनको हम रमूज़ अवकाफ़ के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं अगर आप इसको देखें तो, लेकिन उनके अपने अपने नाम वहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, मिसाल के तौर पर हम सक्ता की बात करते हैं, सक्ता यानी कामा, कामा है और उसी एक कामे का जो हम बात करते हैं तो उसको हम सक्ता कहते हैं। तो जिस तरह से कहीं पर ठहराव हो या दो जो बातें हैं उनको जोड़ रहे हैं और उनको अलग करने के लिए हम कामा का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से सक्ता के बाद वक्फ़ा है जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन जैसे कोई बड़ी बात है और उसको हम अलग करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, फिर कॉलन हमने इस्तेमाल किया। इन सब बड़े शहरों में गंदी बस्तियां मौजूद हैं, ये इसमें हमें सेमी कॉलन की ज़रूरत यानी वक्फे की ज़रूरत है क्योंकि इबारत कहीं मिल ना जाए। और दूसरा एक और जुमला इसमें है, सच्चाई, खुलूस, ईमानदारी, इन सब की ज़रूरत उनको नहीं, मिसाल के तौर पर। तो ये जो तीन जो चीज़ें हैं, सच्चाई, खुलूस, ईमानदारी, ये एक ज़ुमरे में है तो इसके लिए हम फिर वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूसरी और भी बहुत सारी राबता है, कॉलन जिस तरह से जिसको हम कहते हैं कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, जब तो अलग अलग जुमले हैं उनको जोड़ते हैं और जोड़ने के साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के मशहूर शायर ये हैं, पीर, गालिब, इकबाल वगैरह, तो वहाँ पर हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो बातों को इसमें रब्त पैदा करने। मोमिन का बहुत मशहूर शेर, अगर हम कहें कि मोमिन का ये शेर, तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मुझे अब तक याद है। तो ये जो दो बातें हैं इनके लिए हम रब्ते के तो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप फुल स्टॉप पर जाएँ, फुल स्टॉप यानी ख़त्मा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उर्दू में भी उसी तरह से इस्तेमाल होती हैं। एक बड़ी अहम बात है वो ये कि शुरू में जब हम बात करते हैं इब्तदाई दौर में उर्दू के, तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल रमूज़ अवकाफ़ का इतना नहीं होता था या ना के बराबर तकरीबन था। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में जब किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू हुआ और बहुत सारी किताबों के तराजुम कराया गया, उसका मकसद भी यही था कि वो अपने जो उनके मुलाजिम थे, अंग्रेज़ मुलाजिम, उनको चाहते थे वो ज़बान सिखाना, इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ पर जो है रमूज़ अवकाफ़ का इस्तेमाल किया जाए। तो वहाँ से हमें ये रिवायत मिलती है कि रमूज़ अवकाफ़ का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन उसमें भी उतनी पाबंदी से नहीं था जिस तरह से आज हमारे सामने आता है। वहाँ पर यह होता था कि जुमला जो है उसके आखिर में एक स्टार का निशान लगा देते, वो निशान इस बात की अलामत होता था कि यहाँ पर इसमें ये रमूज़ अवकाफ़ का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो सर सैद के ज़माने में जब नसर लिखने का जो है बाकायदा तौर पर कह सकते हैं आम हुआ ये रिवाज, और हर सिन्फ में कोशिश की गई नसरी असनाफ की, तो वहाँ पर जो है रमूज़ अवकाफ़ का फिर पाबंदी से ये इस्तेमाल शुरू हुआ जिसका आज भी कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में जितनी भी इस तरह की अलामतें हैं उनको उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फुल स्टॉप की बात की आपने, तो फुल स्टॉप जैसे अंग्रेज़ी भाषा में एक तो सेंटेंस ख़त्म होता है तब यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो फॉर अब्रीविएशन, तो क्या उर्दू में भी ऐसा ही है? बिल्कुल, उर्दू में बिल्कुल उसी तरह से ही मामला है, लेकिन फुल स्टॉप अंग्रेज़ी की शक्ल थोड़ी अलग है। अंग्रेज़ी में हम फुल स्टॉप एक पॉइंट डॉट लगाते हैं, लेकिन उर्दू में ये मामला नहीं है। उर्दू में जो है वो चूंकि नुक्ते इस्तेमाल करते हैं, बे, पे, ते, टे, ये जो हैं हरूफ, उसमें हम नुक्ते जब हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं तो इनकी थोड़ी सी शक्ल लेते हैं और उसके नुक्तों के ज़रिए उसको वो करते हैं। तो ख़त्मे के तौर पर या फुल स्टॉप के तौर पर हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, उसको जो छोटा डैश होता है उसको वहाँ लगाते हैं। हालांकि डैश एक अलग वो है, इस्तलाह है, और यहाँ पर जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
जी सर, कोई और भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं? जी बिल्कुल, सवालिया निशान के लिए जिस तरह से अभी जो मैं जिक्र कर रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये देखिए जैसे ये जुमले हैं, क्या बात है, सवालिया निशान इसमें। इसमें जो एहतियात करने वाली बात है वो ये कि इसमें जो सवालिया निशान है, चूँकि इबारत जो है हम दाहिने से बाएं जानिब लिखते हैं, तो जहाँ जुमला हमारा ख़त्म होता है वहाँ पर सवालिया निशान लगाया जाता है, तो इस सवालिया निशान की शक्ल भी उसी सूरत में होगी, यानी इसकी जो सूरत है वो इबारत के साथ जुड़ी हुई होगी। ये देखिए क्या बात है, ये एक जुमला है और इसमें सवालिया निशान लगाया गया है कि इस तरह से, तुम कहाँ से आ रहे हो, उसने क्या कहा, अब किसकी बारी है, ये वो तमाम जुमले हैं जिसमें सवालिया निशान लगाए गए हैं। और इसी तरह से जो है आप और दूसरे निशान है वावैन की बात कर सकते हैं, फुल स्टॉप की अभी हमने बात की, कॉलन की बात की, वावैन की बात है जो जिसको हम कहते हैं इन ब्रैकेट, ये जो वावैन, माफ़ कीजिएगा ब्रैकेट ना हो करके बल्कि कॉसेन उसको कहते हैं, ब्रैकेट को वावैन यानी इन्वर्टेड कॉमा, जब कोई इबारत होती है तो उसको दरमियान में हम जब लिखते हैं हवाले के तौर पर तो वो इन्वर्टेड कामा जिसको हम वाबैन कहते हैं जी। जैसे ये शेर जो आपके सामने है, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकद मीर नहीं, तो ये जो दूसरा मिसरा है इसका, इसको इन्वर्टेड कामा में ताकि ये एक कौल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से कॉसेन की बात है ब्रैकेट, जब कोई बात हम उसमें कहते हैं तो वहाँ पर जो है दरमियान में कोई बात अगर आती है तो उसको हवाले के तौर पर हम फिर वो ब्रैकेट में लिखते हैं कॉसेन जिसको कहते हैं। जैसे मोहम्मद अली साहब जिनके बड़े भाई इलाहाबाद में तहसीलदार हैं कल यहाँ आए थे, यानी ये एक दरमियान में एक बात है जिसकी वजाहत ज़रूरी है कि मोहम्मद अली साहब कौन है, यानी जिनके बड़े भाई जो हैं जो इलाहाबाद में तहसीलदार हैं, ये हवाले के तौर पर। अब अगर इसको रवानी से लिखेंगे तो शायद वो बात पूरी नहीं होगी जिसको हम कहना चाहते हैं, लेकिन अगर इसको हम कौसेन के ज़रिए जाहिर करते हैं तो ये जुमला वाज़ह होता है। यहाँ पे ख्याल रखने की चीज़ है कि इसके साथ कौसेन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाना चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से जो रब्त है, जो रवानी है जुमले की, वो टूट जाए और जो बात हम कहना चाहते हैं वो उतनी वाज़ह ना हो सके। तो ये वो तमाम निशानात हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है उर्दू में पाबंदी के साथ किया जाता है। सर जैसे मैं स्लाइड में दो ब्रैकेट्स देख पा रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड पेरेंथेसिस, जी सो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसका इस्तेमाल देखिए दो कॉसेन हैं, एक जो कॉसेन है पहले वाला जो है उसको हम जब किसी इबारत में कोई बात दरमियान में लाते हैं हवाले के तौर पर या किसी बात की वजाहत के लिए तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ भी आती है कि जो पहले से ही कौसेन में मौजूद है और उसकी भी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत होती है, तब फिर हमें वो जो बाहर के ब्रैकेट हैं, जो पहले हमने जो ब्रैकेट लगाए कौसेन लगाए थे, वो फिर उसकी शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेज़ी में या और दूसरी ज़बानों में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका नाम सिर्फ वही हम रखते हैं, कौसेन ही इस्तेमाल किया जाता है। सो इन्वर्टेड कॉमास की स्लाइड में भी आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास दिखाए, जैसे अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं, तो उर्दू में भी है? उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हम उसको किस तरह से अलग करें जी। तो लिहाजा हम दोनों ही सूरतें इस्तेमाल करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। हाँ, ये उस पर तय होता है कि किस बात को कितनी अहमियत देनी है और किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है जी। ये इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। सर यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूँगी जी, रुबल जी का प्रश्न है, एज उर्दू लैंग्वेज इज रिटन राइट टू लेफ्ट अनलाइकली हिंदी एंड इंग्लिश, सो पंक्चुएशन मार्क्स लाइक क्वेश्चन मार्क्स कॉमास आर ऑल्सो पुट इन रिवर्स मैनर? यस बिल्कुल, अभी जैसे जिक्र किया कि चाहे सकते का निशान हो चाहे सवालिया निशान हो, चूँकि इबारत सकते का निशान हम इसलिए लगाते हैं कि किसी बात को दूसरी बात से अलग करना है,
या जो जुमला जब हम कह रहे हैं तो दो जो अलग अलग अल्फाज हैं उसके दरमियान में हम फासला रखते हैं, उसको रखने के लिए जो है हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका निशान लाजमी तौर से हम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हम लिख रहे हैं, यानी दाहिने से बाएं, तो वो उल्टी शक्ल ले लेगा। सवालिया निशान के साथ भी सूरत ये है कि अगर हमें कोई सवाल करना है और उस जुमले की बात को ख़त्म होने के बाद वो लगाएंगे तो उसकी शक्ल भी रिवर्स ऑर्डर में, या जिसको कहेंगे कि वो उसी शक्ल में जहाँ से इबारत ख़त्म हुई है। जी, और सब पंक्चुएशन मार्क्स को रीड करने का भी तरीका है क्या उर्दू भाषा में? बिल्कुल, उसके लिए वो तमाम जब हम पढ़ने की बात करते हैं, इबारत खानी कर रहे होते हैं तो इबारत को किस तरह से पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे रमूज़ औकाफ़ हैं इसमें मदद करते हैं और इनके ज़रिए ही हम उस इबारत की सही खानी कर पाते हैं। बेहतर मिसाल, वाज़े मिसाल जो है हमारे सामने है वो है रुको, रोको मत जाने तो। अब उसमें हम अगर कॉमा रोको की जगह दूसरी जगह लगा दें, मत के बाद लगाएं, तो उसके माने अलग हो जाएंगे। रोको मत जाने दो, रोको अगर कॉमा लगाएं, मत जाने दो, तो वो एक अलग इंस्ट्रक्शंस है। तो इसी तरह की जो बहुत सारी इबारतें हैं जिसमें इसकी पाबंदी अगर करेंगे तो वो जो मफहूम है जो वाज़े करना चाहते हैं वो वहाँ पर अदा होते हैं। मिसाल, एक और बेहतर मिसाल हमारे सामने शायरी की है। इसमें आप देखें, ये जो शेर दिया हुआ है, दायर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्ता नहीं। अगर इसको एक सीक्वेंस में पढ़ लें, दायर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्ता नहीं, बैठे हैं, तो वो जो शायरी की जो एक बड़ी खूबी है कि शेर को हम सही लबो लहजे में उसी अंदाज से उसकी अदायगी करें तो उसके मानी और मफहूम जो हैं वो बेहतर तौर पर हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है, दायर नहीं, कौमा, हरम नहीं, दर नहीं, आस्ता नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। सवालिया निशान का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये वो भी है। दूसरा शेर इसी में एक और है, वो है, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। तो यहाँ पर जो है, अगर इन रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने जिसमें इन सब की पाबंदी बेहद ज़रूरी होती है। इसीलिए जो है रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल और उसकी पाबंदी जो है लाजमी करार दी जाती है अगर हम इबारत को सही पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह की सब पंक्चुएशन मार्क्स का उर्दू भाषा को सरल बनाने में कितना योगदान है? सरल बनाना और दुरुस्त बनाना दोनों में फ़र्क है। सरल इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हमें कोई दुश्वारी नहीं होती है इबारत को पढ़ने में, हम जो उससे मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो मानी उससे समझना चाहते हैं, वो इसी के ज़रिए हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। दिलचस्प भी है, दिलचस्प इसलिए कि शेर में अगर हम उसको सही पढ़ेंगे तो उससे लुत्फ अलग हासिल होगा, जो उसका एक पहलू है। इसके अलावा हर शेर के अपने मानी मफहूम अलग होते हैं, जिस तरह से हम उसको समझना चाहते हैं, जैसे समझना चाहते हैं वो हम उसको समझते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें आसान बनाती हैं हमें इबारत को पढ़ने में, ख़ास तौर से शायरी को पढ़ने में, और दिलचस्प भी बनाती है कि हम उससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, उससे माना अख्ज कर लेते हैं और उसके मफहूम को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो रमूज़ औकाफ़ के हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं। सर, यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूँगी, तैमूर ज़ूनी रहमान जी का प्रश्न है, क्या पंक्चुएशन का कोई रूल है उर्दू भाषा में? पंक्चुएशन के रूल की बात जहाँ तक है वो ये है कि जिस तरह से इनका इस्तेमाल दूसरी जगहों पर होता है, दूसरी जगहों से मुराद दूसरी ज़बानों में किया जाता है, यहाँ पर भी वो तमाम उसूल
जैसा कि अभी बताया कि जितने भी अलामतें हैं, अलामत हैं, वो तमाम निशानात, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं खूबियों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पे कॉमा नहीं लगना है, कॉमा का मकसद क्या है, या कहाँ पे हमें सवालिया निशान लगाना है, कहाँ पे हम बग़ैर सवालिया निशान लगाए बात को अदा करते हैं, ये जो तमाम उसूल हैं उनकी पाबंदी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से और ज़बानों में हम करते। कहने का मकसद ये है कि हम अपनी बात को अगर जिस तरह से हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों को चाहते हैं कि वो इसका मतलब उसी तरह से समझें जिस तरह से हम चाहते हैं, तो इनकी पाबंदी हम वहाँ पर करते हैं। अलग से कोई कहें कि इसका ये उसूल उर्दू के में मखसूस है, ऐसा नहीं है, बल्कि वही उसूल हैं जो दूसरी जगह है। मिसाल के तौर पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात है, अगर किसी को एड्रेस करना है या तो उसका निशान मौजूद है वहाँ पर, कोई इस तरह का इजहार करना है, अफसोस का इजहार, खुशी का इजहार, तो इन निशान का हम इस्तेमाल करते हैं। उफ़ो, सख्त तकलीफ़ है, तो ये जो इस तरह की है, बस कीजिए, वो और रहम, इस तरह के जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जुमले, आप ये सब जो है इन निशानात की वजह से हैं जिसके ज़रिए हम जो है इस बात को समझ सकते। सर, यहाँ पे एक और प्रश्न लेती हूँ। उस्मान जी का प्रश्न है, हाउ पंक्चुएशन मार्क्स इन प्री मॉडर्न अरेबिक इज डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस। बहुत दिलचस्प है, प्री मॉडर्न एरा में जब हम बात करते हैं अरबिक के हवाले से, तो अरबी जबान में या उससे पहले जो जबाने हैं हिब्रो वगैरह, वहाँ पर इस तरह के निशानात या अलामतें का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, इनके निशानात हमारे उसमें मौजूद है। यूसुफ इन हज्जाज का नाम हम ले सकते हैं, जहाँ पर के बाकायदा तौर पर इनकी एक तरतीब दी गई और उसूल वज़ा किए गए कि आखिर इन निशानात का मकसद क्या है, किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, तो वो यहाँ पर जो है उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। और तो ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ी तब्दीली आई है पोस्ट मॉडर्न एरा जिसको, या मॉडर्न अरबिक उसमें, कि वहाँ से इनका इस्तेमाल बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। लेकिन शुरू में इस तरह की जितनी भी तहरीरें हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल मौजूद नहीं है, और चूंकि लोग उन लफ्ज़ से इतना मानूस थे, उनके इस्तेमाल से मानूस थे, शायद यही वजह रही जिसकी वजह से जो है इस पंक्चुएशंस का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो वहाँ पर इतना नहीं हुआ जी। और फिर धीरे धीरे जब इस्तेमाल आम हो गया तो अब ये तो एक तरह की ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो पोस्ट मॉडर्न अरबिक में हमें नज़र आती है, और फिर अरबिक से बाकी आगे जिस तरह से सिलसिला चलता चला गया वहाँ पर ये इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। सर, यहाँ पे अज़फ़ुस का भी प्रश्न है, इस पंक्चुएशन रियली नेसेसरी फॉर उर्दू पोएट्री। बिल्कुल, ये तो अभी जो शेर दो हमने पढ़े देखे सामने, जाहिर है अगर इनका हम उस तरतीब से नहीं पढ़े या उनकी पाबंदी जो पंक्चुएशन है उसकी पाबंदी ना करते हुए अगर इनको पढ़े तो मानी कुछ के कुछ हो सकते हैं जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इनकी पाबंदी की जाए, और शायरी में तो ये बड़े हद तक ज़रूरी है क्योंकि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ हमें इजाफत का इस्तेमाल, क्योंकि दूसरे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इजाफत के इस्तेमाल के साथ पढ़ते हैं, तो या कहाँ पर हमें रुक कर पढ़ना है, ये जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर इनकी पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा नसर में तो है ही है हम इसका इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन का, लेकिन शायरी में भी बड़ी हद तक ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेर को हम सही नहीं पढ़ेंगे तो उसके माना जो हमसे तकाजे करते हैं कि इस तरह से इसके माने अदा होना चाहिए वो
हम उसको हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है और इसको आप किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आप इससे इनहराफ नहीं कर सकते, तो ये बेहद ज़रूरी है। चंद एक बातें ज़रूर हैं जो हमें इमला के हवाले से कर लेनी चाहिए, जो हमें जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि जो अल्फाज उसमें आए हुए हैं उन अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, यानी उसके हिज्जे, हिज्जे से मुराद ये कि हर्फ की, एक एक हर्फ की जो अदायगी है उसको सही तरीके से कर सकें, तो वो जो हिज्जे है वो दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। और जब हिज्जे उसके हम दुरुस्त कर लेते हैं तो उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि हम लिखने में जो है, जो अल्फाज हैं उनके दरमियान फासला रखें, जैसे फ़नकार, बेबाकी, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको मिला कर ना रखें। इसी तरह के जो और बहुत सारी पाबंदियाँ हैं हमें करनी चाहिए, जुमलों की साख्त और कवायद के लिहाज से होनी चाहिए, नुक्ते ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए अपनी सही जगह पर, सोशे बिल्कुल बराबर होने चाहिए और जो हरूफ हैं उनके जोड़ सही होने चाहिए। ये सब वो तकाजे हैं जो इमला में हमसे किए जाते हैं और जिनका हमें ख्याल रखना, और हम अपनी दर्स व तदरीस में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी, तो आज के कार्यक्रम में हमने उर्दू इमला से मुतालिक मालूमात हासिल की और इस मालूमात के लिए प्रोफेसर अंसारी आपका धन्यवाद। शुक्रिया। कल हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन एज एन एजेंट फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपके कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।